दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही घमासान श्रृंखला में अब तक इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के सामने घुटने टेकती नजर आई है और भारतीय टीम ने अंग्रेजों को उन्हीं के घर में एक करारी हार देकर उन्हें क्रिकेट जगत के सामने शर्मिंदा कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की टीम का जमकर मजाक उड़ाया, जिसको सुनने के बाद तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कहा बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ियों ने। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन बेहतरीन टीम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला काफी ज्यादा रोमांचक साबित होती जा रही है। इस श्रृंखला का हर एक मुकाबला इतना ज्यादा शानदार हो रहा है जिसको देखने के बाद तो क्रिकेट प्रेमी अपने उत्साह को काबू में नहीं रख पाते। बता दें इन दोनों देशों के बीच खेला गया लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा टेस्ट मुकाबला इतना ज्यादा शानदार रहा जिसने मैदान के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी। दोस्तों बता दें बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने अपने बयान में कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया ये अब तक का सबसे शानदार मुकाबला रहा है। इस मुकाबले में जहां भारतीय टीम की ओर से सबसे दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं इंग्लैंड की टीम अपने ही घर पे मेजबान टीम के सामने पूरी तरीके से लाचार नजर आई। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपनी टीम को मजबूत किया वह इस मुकाबले में किसी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। अगर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरी श्रृंखला में ऐसा ही रहा तो भारतीय टीम में अपने धुआंधार प्रदर्शन से इंग्लैंड को पैरों तले रौंद देगी। दोस्तों वहीं बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी मुशफिकर रहीम ने तो इंग्लैंड की टीम पर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से लताड़ लगाई जिसकी कल्पना तो इंग्लैंड की टीम अपने सपनों में भी नहीं कर सकती। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंग्लैंड की टीम इतनी बुरी तरीके से क्रिकेट खेल रही थी जिसकी उम्मीद तो किसी भी ने भी नहीं की होगी। इंग्लैंड की टीम का घमंड था कि उन्हें उन्हीं की सरजमी पर कोई नहीं हरा सकता। उनका ये घमंड भारतीय टीम ने अपने पैरों तले रौंद कर चकनाचूर कर दिया और लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड टीम को शर्मनाक हार देकर एक करारा तमाचा जड़ा। दोस्तों वहीं इसके बाद तमीम इकबाल ने इंग्लैंड की टीम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इंग्लैंड की टीम आज के समय में इतनी ज्यादा कमजोर है कि उन्हें अपने ही घर में टेस्ट मुकाबले में मुकाबला बचाने के लिए खेलना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है कि किसी भी टीम को अपने ही घर में एक मुकाबला बचाने के लिए खेलना पड़े। इंग्लैंड की टीम के गेंदबाज से लेकर उनके सलामी बल्लेबाज कोई भी खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामना नहीं कर पा रहा है और इसे देखकर तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरीके से इंग्लैंड पर भारी है और इस सीरीज पर वो अपना शिकंजा कस लेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम को हराने का दमखम रखती है या नहीं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।